हेलो गेमर्स, स्वागत है आप सबका हमारे गेमिंग वाली यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये इंट्रो वगैरह तो सब होता रहेगा, मैं सीधा चलता हूँ वीडियो के टॉपिक की ओर। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि MP40 से ड्रैग हेडशॉट कैसे मारे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ MP40 नहीं, शॉर्ट रेंज की कौन सी भी SMG गन ले लो आप लोग, MP40 ले लो, MP5 ले लो या फिर थॉम्सन ले लो, लेकिन अगर आपको ड्रैग हेडशॉट मारना सीखना है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं वादा करता हूँ कि गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सी भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए जो टेक्स होती है, सारी की सारी जो स्टेप्स है, वो सारी की सारी स्टेप्स मैंने इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन किए हुए। मतलब अगर आपके सामने सीधा सीधा बंदा खड़ा है तो उसको ड्रैग हेडशॉट कैसे मारते हैं, अगर बंदा दौड़ रहा है तो उसको ड्रैग हेडशॉट कैसे मारते हैं, ये सारी जो स्टेप्स है ये मैंने इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन किए हुए। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ घंटा भी नहीं पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो स्टेप्स आप लोग देखो, ध्यान से समझो, वही स्टेप आप लोग फॉलो करो और उसकी प्रैक्टिस करके रहो। मैं गारंटी देता हूँ गाइस, 100 नहीं 200% मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ड्रैग हेडशॉट ये वीडियो देखने के बाद लगने ही लगने वाले। अब कई बंदे क्या बोलेंगे कि भाई हम तो यार MP40 चलाते नहीं, हम लोग शॉर्ट गन के प्लेयर हैं, हम लोग हमेशा शॉर्ट गन ही चलाते, MP40 हम कभी लेते ही नहीं। अब वो भी लोग ये वीडियो देखो, क्योंकि यार समझ लो, अगर आपकी आप लोग गेम खेल रहे हो और आपकी लैंडिंग हो चुकी, तो लैंडिंग होने के बाद समझो आपको उतरते उतरते MP40 मिल जाए, तो उस गन को क्या छोड़ दोगे, वैसे ही चले जाओगे? नहीं यार, MP40 आप लोग उठाओगे और समझ लो इतने में आपके सामने एनिमी आ जाता है, तो क्या मुक्के से मारोगे? नहीं, अरे बिल्कुल MP40 से मारोगे ना। तो आपको इस गेम में कहीं ना कहीं ड्रैग हेडशॉट की ज़रूरत लगने वाली, तो वीडियो को पूरा देखो, ये मेरी विनती है। और स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखो और देखने के बाद ये सोचना कि सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ यार, अपने नाखून चबाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे। तो यहाँ पर मैं दो बंदूक उठा लेता हूँ, पहले MP40 और दूसरी MP5 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने दो गन्स ली है, अब इसमें मैगजीन लगा लेता हूँ। एक सेकेंड गाइस, मैगजीन उठा लेता हूँ पहले, यहाँ पर डबल मैगजीन में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर अब सब चीज़ें रेडी है, तो हम लोग कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय गैरेना बाबा। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है अपना सेंसिटिविटी। आपको अपने कस्टम हड में कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बस आपको जो अपनी सेंसिटिविटी वो थोड़ी सी बढ़ानी है। मतलब ये जो जनरल की सेंसिटिविटी है, ये देखो यहाँ पर, ये आपको हमेशा 100 पर रखनी है। अगर आपका ज़्यादा रैम वाला फ़ोन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम रैम वाला फ़ोन है तो आपको हमेशा ये जनरल की सेंसिटिविटी 100 ही पर ही रखनी है। इससे क्या होगा कि इससे जो आपका जो ड्रैग हेडशॉट है वो एकदम मस्के की तरह लगेगा, एकदम स्मूथली आपका जो एम है वो आसानी से ड्रैग होगा, एकदम स्मूथली ड्रैग होगा, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है लुकिंग स्ट्रेट। लुकिंग स्ट्रेट का मतलब है कि आपको हमेशा सामने देखना है। कई बंदे क्या करते हैं, नीचे देखते हैं। रुको, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो आपके कैरेक्टर के पास जो ये डॉट है, मतलब कई बंदे इसे रेड डॉट भी बोलते हैं, कई बंदे उसे एम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखो अभी ये जो एम है, ये बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर ये एम जो है वो अपने ज़मीन की तरफ कर लेते हैं, नीचे की तरफ कर लेते हैं और ऐसे दौड़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो एम है, अगर बंदा आया तो उसका जो एम है तो पैर पर लगेगी गोली। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका एम है एक आदत सी डाल लेनी है। देखो यहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ, आपका जो एम है तो बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में लाना है और आपको हमेशा स्ट्रेट ही देखना है। इससे क्या होगा, आपका जो एम है वो बिल्कुल एनिमी के छाती पर या फिर हेड पर ही जाएगा। देखो अभी मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से देखो, देखो एम जो है छाती पर ही जाएगा और उससे ड्रैग हेडशॉट मारने में बहुत आसानी आएगी। तो चलो शुरू करते हैं तीसरा पॉइंट। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है लॉक द एम एंड फायर। इसका मतलब क्या है कि अपने एनिमी को पहले लॉक करो, मतलब अपना एम जो है वो एनिमी के ऊपर ले जाओ और फिर उसके ऊपर फायर करो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर फायर करता हूँ ड्रैग करके, तो नहीं होगा। ये SKS ड्रैगनो थोड़ी है, मतलब डायरेक्टली ड्रैग कर दिया और हेड शॉट लग गया, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, पहले जो अपना एम है उसकी एक दो गोलियां उस बंदे के ऊपर मारनी है और फिर ड्रैग करना है। ड्रैग करने से आपको ड्रैग हेड शॉट लगेंगे ही लगेंगे। देखो
मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, मैं पहले एक दो गोली बंदे के ऊपर मार रहा हूँ और फिर ड्रैग कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, आसानी से बंदे को ड्रैग हेडशॉट लग रहा है। तो यही मोशन आप स्लो मोशन में देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला एम लेकर जा रहा हूँ, एक दो गोली मार रहा हूँ और बाद में ड्रैग कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ है, एकदम स्मूथली ड्रैग हेडशॉट लग रहे हैं। तो बिल्कुल आपको भी इसी तरह से करना है, हल्का सा ड्रैग करना है तो आपके ड्रैग हेडशॉट एकदम आसानी से लगेंगे। देखो बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है गाइस, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करो, मतलब आपको एकदम आसान जाएगा सब कुछ ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए। देखा देखा देखो गाइस, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। पहले एक दो गोली बंदे के ऊपर फायर करना है, एम लॉक करना है और फिर बाद में उसके ऊपर ड्रैग करना है, हल्का सा ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, एकदम आसानी से आपके ड्रैग हेडशॉट लगेंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है जंप एंड फायर, मतलब पहले जंप करना है और फिर फायर करना है। अब देखो कई, अब क्या होता है कई प्लेयर्स के साथ, समझ लो आपको ड्रैग हेडशॉट मारना वगैरह सब कुछ आता है, आप लोग ऐसे एक जगह खड़े होकर ड्रैग हेडशॉट मार रहे हो, लेकिन क्या होता है भाई लोग, अगर आप लोग एक जगह खड़े हो गए तो जो सामने वाला बंदा है उसकी भी गोलियां आप लोगों को पड़ेगी पड़ेगी, और आप लोग एक ही जगह खड़े हो गए तो उसकी भी गोलियां शायद से आपके हेड पर लग जाएगी और आप लोग यहां पर मर जाओगे। तो यहां पर क्या करना है, जंप करके फायर करना है। इससे क्या होगा, एनिमी की गोली भी आपके ऊपर नहीं लगेगी और ड्रैग भी एकदम आसानी से होगा। देखो यहाँ पर अब स्लो मोशन में देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे दौड़ा, मैंने जंप किया और फिर रोटेशन ड्रैग करके उसके ऊपर ड्रैग हेडशॉट मारा और इतनी आसानी से उसको ड्रैग हेडशॉट पड़ा। बिल्कुल आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। देखो फिर से देखो, देखो मैं जंप करके कैसे फायर कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपका मतलब एनिमी आपके ऊपर एम नहीं कर पाएगा और आपको आसानी होगी बंदे के ऊपर ड्रैग हेडशॉट मारने की। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। और गाइस अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आपको वीडियो में दिलचस्पी है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर भी कर दो, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है उससे भी ड्रैग हेडशॉट मारना नहीं आता, तो उन अपने फ्री फायर के फ्रेंड्स को ड्रैग हेडशॉट मारना सिखाओ, उनको भी ये वीडियो शेयर करो। इससे क्या होगा, सभी बंदों को पता चलेगा कि ड्रैग हेडशॉट कैसे मारते। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। और यार एक बात बता देता हूँ कि MP40 और MP5 से भी ज़्यादा ड्रैग थॉम्सन के लगते हैं, थॉम्सन के, यार सच में बता रहा हूँ थॉम्सन के लगते हैं, लेकिन क्या है थॉम्सन का जो ड्रिलिंग है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए MP40 इज़ बेस्ट, MP5 इज़ अ बेस्ट। तो चलो यार शुरू करते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा जो पॉइंट है, सॉरी गाइस पांचवा पॉइंट, तो पांचवा जो पॉइंट है वो है स्लोली ड्रैग। तो अब कई बंदे क्या करते हैं, देखो अपना ये जो फायर बटन है वो डायरेक्टली ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, मतलब आपकी जहां पर स्क्रीन खत्म होती है उधर तक आपकी जाके उंगली रुकती है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो स्लो मोशन में दिखाता हूँ, कई बंदे क्या करते हैं इससे फुल ड्रैग करते हैं, डायरेक्टली अपने स्क्रीन के ऊपर तक उंगली लेकर जाते हैं और बाद में उनका जो एम है वो ड्रैग नहीं होता, वहाँ पर ही रुक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले ही फुल ड्रैग नहीं करना है दोस्तों। ऐसा करने से यार आपका एम एक जगह लॉक होगा और बंदे के ऊपर ही गोलियां लगेंगे, उसके ऊपर आपका ड्रैग नहीं जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे स्लोली ड्रैग करना है, जैसे कि मैं वीडियो में देख रहा हूँ, देखो स्क्रीन पर देखो, बिल्कुल ऐसे ही हल्का हल्का सा ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, बंदे के ऊपर आसानी से गोलियां लगेंगे, अगर आपने डायरेक्टली ड्रैग कर दिया तो नहीं लगेगी। अब स्लो मोशन में देखो, देखो मेरा फायर बटन, देखो मैंने पहले एक दो गोली उसके ऊपर चलाई और फिर हल्का सा ड्रैग किया है। इससे क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, मेरा जो एम था वो छाती पर था और हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ जाकर उसके हेड पर जा चुका है। अब सारी गोलियां उसको हेड ही लगेंगी। तो बिल्कुल आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके 100% ड्रैग हेडशॉट लगेंगे। तो एक बात समझ लो कि डायरेक्टली ऊपर की तरफ ड्रैग नहीं करना है, इससे क्या होगा स्क्रीन आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपको एकदम स्लोली ड्रैग करना है, हल्का हल्का सा ड्रैग करते जाना है, इससे क्या होगा एकदम आसानी से ड्रैग हेडशॉट लगेगा। तो अब छठा पॉइंट है कि डायरेक्शन ड्रैग टू द रनिंग एनिमी। अब ध्यान से सुनना गाइस कि अगर बंदा दौड़ रहा है तो उसे कैसे हेडशॉट मारना है, ड्रैग हेडशॉट कैसे मारना है। समझ लो बंदा आपके राइट साइड में दौड़ रहा है तो आपको क्या करना है, बंदे के ऊपर फायर करना और फिर ड्रैग करना है उसके ऊपर। देखो बिल्कुल इसी तरह से बंदे के ऊपर पहले फायर करो और फिर ड्रैग करो। देखो यहाँ पर ऐसे और राइट साइड में देखो
देखो यहां पर बिल्कुल इसी तरह से जिस साइड बंदा भाग रहा है उस साइड आपको गोली फायर करनी है और उसी साइड आपको ड्रैग करना है। स्लो मोशन में देखो मैंने यहां पर किया और मैंने अपने लेफ्ट साइड में ड्रैग किया है और हल्का हल्का ड्रैग करके मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में आपका बंदा भाग रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, एकदम आसानी से रनिंग हेडशॉट लगेंगे आपके। तो इस रनिंग हेडशॉट के आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने इंट्रो में दिखाया था कुछ हेडशॉट, उसमें भी मैंने रनिंग हेडशॉट दिखाए, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर सातवां पॉइंट है कि ऑलवेज यूज डबल मैगजीन। डबल मैगजीन क्यों यूज करनी है अपने गन में, ये मैं बता देता हूँ। रुको गाइस एक सेकेंड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखो। एक सेकेंड गाइस, मैं आपको डबल मैगजीन दिखा देता हूँ कैसे होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अब देखो मैगजीन उठा लेता हूँ। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर मैं मैगजीन उठा लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ये है डबल मैगजीन। देखो ध्यान से देखो, ये है डबल मैगजीन। आपको हमेशा आपके गन में डबल मैगजीन ही यूज करनी है। आपको अगर मैगजीन लेवल 2 मिला, मैगजीन लेवल 3 मिला तो आप उठा लो, लेकिन उसके बाद अगर डबल मैगजीन मिला तो वो आपने गन में लगा लो। डबल मैगजीन के दो एडवांटेजेस होते हैं। एक तो आपके गन में जो है बुलेट्स ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब मैगजीन ज़्यादा होती है, गोलियाँ ज़्यादा मिलती है, और रिलोड भी एकदम फास्ट से होता है। यार प्रूफ है मेरे पास कि डबल मैगजीन से रिलोड एकदम फास्टली होता है। देखो मैंने डबल मैगजीन लगाई और विद इन एक सेकंड के अंदर ही मैं अपना रिलोड कर रहा हूँ गन। देखो एक सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है यार रिलोड करने में। देखा, बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। आपको हमेशा आपके गन में डबल मैगजीन ही लगानी है। अब ये हो गया सातवां पॉइंट, और लास्ट वाला जो आठवां पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है। देखो आठवें पॉइंट में आपको सब्सक्राइब करना है। गाइस गाइस सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो मैंने स्टेप बताए उनको फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।